सिंगरौली जिले में कोविड 19 महामारी को लेकर प्रशासन अलर्ट है। बता दें कि कोविड 19 को लेकर जिले के बॉर्डर एरिया में एक बार फिर चेक पोस्ट लगाया गया है। सीधी सिंगरौली सीमावर्ती क्षेत्र के झोंको गांव में चेक पोस्ट की तैनाती की गई है। ड्यूटी पर तैनात पटवारी रमेश तिवारी ने बताया कि झोंको चेक पोस्ट पर रमेश कुमार गुप्ता, शिक्षक उपेंद्र कुमार गुप्ता, शिक्षक कन्हैयालाल साहू, शिक्षक एलपी कोल, एमपीडब्ल्यू की तैनाती की गई है। पटवारी ने बताया कि चेक पोस्ट पर 3 सीट के लिए लोगों को तैनात किया गया है, जिसमें बाहर से आने वाले लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है। देखिए चेयरमैन बालकृष्ण तिवारी की खास रिपोर्ट। अन्य राज्यों से उनको हम लोग बकायदे मोबाइल के माध्यम से ऐप एक है तो उसमें दर्ज करते हैं, रजिस्टर में दर्ज करते हैं। इसके बाद सब जितने भी मजदूर आते हैं उनकी संख्या को एकत्रित करके एसडीएम साहब के यहाँ भेजते हैं और यहाँ पर जो वाहन आते हैं जैसे बस है और टेम्पो टैक्सी है, जीप है, उनसे हम लोग उनको मास्क लगाने की समझाइश देते हैं। जी, कितने लोग हैं यहाँ लगभग ड्यूटी में? 5 लोग हैं, 6 से 2 तक, 2 से 10 तक और 10 से 6 तक, 3 शिफ्ट में ड्यूटी हैं, 5 लोगों की। जी,